नमस्कार साथियों, जैसा कि कल हार्टन फार्म की लास्ट डेट थी, आपको पता है 7 अप्रैल, और मैंने वीडियो बनाया था कि जिन स्टूडेंट का फीस नहीं कट रहा तो मेरे से संपर्क कर लीजिएगा, यानी कि मैंने टेलीग्राम आईडी भी डाल दिया था कि मुझे से आप संपर्क कर लीजिए। बहुत से स्टूडेंट के कॉल आए, 40 के आसपास कल मैंने वो फीस काट दी थी, यानी कि 10,000 के आसपास, और साथियों ने पैसे भी दे दिए। लेकिन एक जो मैसेज मैंने कल टेलीग्राम में भी डाला, टेलीग्राम ग्रुप में हर्ष शर्मा, तो उससे क्या हुई थी, देखो मेरा बहुत कई बार ऐसा होता है कोर्स में एडमिशन को लेकर, किसी फीस काटने को लेकर, तो मुझे हर जगह जैसे निराशा मिलती है। यानी कि अगर मैं सोचता हूँ कि आप पैसे नू आपसे पहले, तो फिर आप बोलो सर आप विश्वास नहीं है। तो टेलीग्राम में जैसे लड़के का मैसेज आया, मैंने जस्ट बोल दिया कि मेरा गूगल अकाउंट है, इसमें डाल दीजिए आप पैसे और मैं काट देता हूँ, अपना आईडी पासवर्ड भेज दीजिए। तो उसने अपना आईडी पासवर्ड तो नहीं भेजा, लेकिन फिर बोला सर कटे नहीं। मैंने कहा भाई आप अपना पहले पैसे ट्रांसफर कर दो इसके अंदर और आईडी पासवर्ड भेज दो। तो फिर उसने क्या कहा, सर मैंने भेज दिए हैं, आप चेक कर लो। मैं मुझे पता है मेरे नहीं आ रही। उसने मेरे से पूछा कि आप नेट बैंकिंग से करते हो या कैसे फीस काटोगे। मैंने कहा मैं नेट बैंकिंग से काटूंगा, क्योंकि मैंने बताया नहीं मैं एटीएम से काटूंगा। तो उसके बाद उसने मैंने, क्योंकि मैं भी उससे ज़्यादा तेज, हम यूट्यूबर हैं, हम होते फास्ट ही हैं, सच्चाई को हम नहीं रख पाते हैं। लेकिन उसने क्या किया, गूगल पे वाले में 400 लिख के भेज दिया, बोला सर मैंने कर दिया ट्रांसफ़र। फिर मैंने कहा पैसे आए नहीं है, क्यों, मुझे पता होता है पैसे वहाँ पे जाने नहीं थे। तो फिर बोला टेक्निकल एरर आ गया, मैं नहीं हो पाया। फिर थोड़ी देर बाद फिर बोला सर फीस काट दी। मैंने कहा भाई आपने पैसे भेजो। फिर बोला सर मैंने पैसे भेज दिए हैं और आप मेरे पैसे वापस कर दो, मैं अपने आप फीस काट लूँगा। मैं समझ गया था बात को पहले, ये बहुत साल बाद लड़का है, कोई भी है, आप तस्वीरों भी देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं जो भी है। तो उसने आईडी पासवर्ड नहीं भेजा, और लेकिन जैसे ही मैंने उसको बताया कि मैं, आपको पता नहीं, मैं जनरल नॉलिस्ट हूँ और मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच में काम भी करता हूँ जो भी मेरा है, और आपके ऊपर FIR मैं करवाने वाला हूँ कल। तो उससे वो डर गया, बोला सर सॉरी। मैं सॉरी किस बात के लिए, लेकिन थे। और उसके बाद मेरे पास इतने मैसेज आए, फ्लिपकार्ट, शुक्ला, पता नहीं क्या क्या, कहाँ कहाँ से, साथ में ओटीपी है वन टाइम, यानी कि उसने मेरे नंबर को उसने ऐसी जगह ऐड कर दिया जहाँ से अगर मैं उस ओटीपी को कहीं कॉपी करके उसको उसके पास भेज देता, कोई पैसे ट्रांसफर करता, तो मेरे अकाउंट से पैसे वो उड़ा लेता। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं अकाउंट में पैसे रखता ही नहीं जिसमें मैंने वो पैसे डलवाए थे, यानी डलवाने थे। तो ऐसे लोग होते हैं, देखो ईमानदारी और किसी हेल्प करने से इस तरह से मन उठ जाता है। पहले बहुत से केस हुए हैं किसी डिप्लोमाज को लेकर, एडमिशन को लेकर, लेकिन क्या करें भाई, अब आपका इसके बारे में क्या कहना। अगर आपको ये लड़का कहीं तस्वीरों में दिखाई देता है, उसको दो चार घूस मेरी तरफ से जरूर लगा देना और वीडियो को शेयर करना।